भाई कहते हैं ना, डर भी तो लग रहा है ना। पूरा टेंट देखो हमारे बहुत दूर लगा है, ये लकड़ी का जलाने का सिस्टम हो रखा है हमारा। और यहाँ से बहुत दूर, वो सामने अगर आपको लाइट दिख रही हो तो एक बिल्कुल दूर दिख रही है लाइट, एक छोटी सी टापू में वहाँ है। हमारी सुरक्षा के लिए हमारा जवान तैनात है, बहुत तगड़ा जवान है भाई। भरी पहाड़ी पे एकदम चोटी पे आए हैं, रात को अगर बारिश आ गई या हवा चल गई तो थोड़ा खतरा है। ये भाई हमारे कोई लिमिट नहीं है, बहुत फुल जगह है एकदम परफेक्ट वाली। टेंट की और तारीफ। सबसे बड़ी बात यह है कि देखो, भूत के दाने में द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस आज तक की। तो अभी तो हम चार लोग हैं, वीडियो शूट करने वाले कितने लोग हैं? पप्पू दादा बोले थे मैं चले जाऊंगा, लेकिन तेजू भाई हमारे साथ रह सकते हैं, इनके चांसेस बहुत हाई है हमारे साथ रहने के, क्योंकि ये भूतों भूतों के कान पकड़ लेते हैं, है ना? हाँ ऐसा कुछ करते तुम? नहीं करता तो कुछ नहीं हो मतलब। मालूम चला आज रात को भूत ने कान पकड़ के यहाँ से वहां से वहां घुमा रहा है, कह रहा ऊपर चल नीचे चल, ये कह रहा भाई छोड़ दे, मैंने ऐसे ही कह दिया था मजाक मजाक में। अरे तो नाना नाना ऐसा कुछ नहीं, मजाक से हटके भाई, हॉन्टेड प्लेस पे कैंपिंग करना बहुत बड़ी बात है। तो ये वाला रिस्क जो लिया है और ये वाला काम जो किया है ना, बहुत बढ़िया लेवल का होने वाला है, वीडियो भी और एक काम भी और कैंपिंग भी। तो कैंपिंग का पूरा वीडियो देखोगे, लाइट बंद कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, अपनी डिम लाइट जला देते हैं और तो उसमें बैठेंगे, ठीक है? डिम लाइट आपको दिखाता हूँ मैं, सबसे पहला जरूरी है भाई। अरे भाई सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें रात के लिए यहाँ पे लाइट की सुविधा नहीं है, तो बचा बचा के थोड़ा चलना पड़ रहा है, बहुत दूर आ गए हैं। कुल मिला के मतलब मज़ा ही आ गया। ये हमारे मित्रगण हैं, ये देख उस पे लगेगी लाइट, अब कैसे दिखाऊं? अरे यारे इसको कर दिया ऑन, ये वो वाली भूतों वाली, इससे भाई कुछ तो भी बंद आ कर जाए दे उसको, हमारे पास इनफ लाइट हो गई, मतलब नाइट विजन वाली लाइट एक हिसाब से बिजली बहुत चमक रही है। बिजली हुई वो चालू हो रहा है, एक बार मैं एक बार शॉट देख लेता हूँ, शॉट कैसा आ रहा है। पूरा पूरा हम सब आ रहे हैं, ओह माय गॉड हो रहा है। बाहर बैठते हैं, मजा तो बाहर आ रखा है, कोई आनंद नहीं। ये देखो अब बोलो लाइट के, लाइट की कमी कहाँ से होगी, कोई कमी नहीं, सब आ रहे हैं। इसमें रिकॉर्ड हो रहा है तो भैया, ये लाओ कैमरा इधर करो फिर। तो लग चुकी है हमारी लाइटें, नाइट लाइट लग चुकी है बढ़िया तरीके कैंपिंग में, और भूत का दाना की जगह पे हम कैंपिंग कर रहे हैं। मॉर्निंग में भी आप देखोगे जगह पे हम आपको यही मिलेंगे, और व्लॉग कितने कितने रहेंगे वो पता नहीं है, अभी फिलहाल कोशिश करेंगे व्लॉग जितने अच्छे से डिटेल में आपको बना सके दिखा सकें, मेन मुद्दा तो वही है। तो फिलहाल एक काम करते हैं, वेंटिलेशन यहाँ पर थोड़ा कम है तो हवा के लिए हम इसकी खिड़कियाँ खोल देंगे, खिड़कियाँ खोल देंगे तो ये लाइट कैसे लगेगी फिर। चलो कोई बात नहीं, उसका इंतजाम करते हैं फिलहाल। एक खिड़की तो खोली, मिट्टी मिट्टी इकट्ठी कर रखी है इसमें, क्या कर रखा तूने इसमें? तो फिर हो मिलते हैं यहाँ पे जाएगा। ब्रेक के बाद, मिलते हैं फिर क्या सब्जी कटिंग वगैरह करते हैं, खाना वाना देखते हैं उसके बाद। तो स्वागत है आप सभी लोगों का सीके ब्लॉग्स पे। आज हम एक स्पीकर लेकर आए हैं जो कि हमारी कैंपिंग का सबसे मुख्य पार्ट है, मुख्य पार्ट यही है क्योंकि हम यहाँ पे आज इस भूत के दाने में उन भूतों को बुलाने वाले हैं स्पीकर के थ्रू, और हम आवाज लगाएंगे कि हर किसी को सुनाई देनी चाहिए। तो भाई ये है हमारी वीकेंड थेरेपी वाली कैंपिंग, देखो यहाँ पे लहसुन कट रहा है और अभी तैयारी शुरू हो रही है, इसके बाद आग जलाने की कोशिश की जाएगी। आप कुछ कहना चाहेंगे भाई? कुछ कहिए, बढ़िया बढ़िया, आप कुछ कहना चाहेंगे? कोई कुछ नहीं कहना चाहेगा, तो बहुत शानदार कैंपिंग हो रही है, बस यही कहना चाहेंगे और कुछ नहीं कहना चाहेंगे। तो इसमें ये ऑप्शन भी है माइक वाला, तो माइक वाले ऑप्शन में बहुत मजा आया शानदार।
आवाज भी अलग ही गूंज रही है इसमें, है ना, ऐसा लग रहा है कि हाँ सही में स्टेज में बोल रहा है कोई बंदा। तो करते हैं भाई कैंपिंग का शुरुआत। ये हमने रख दिया माइक और अपने हम कैंपिंग चालू करेंगे, इसमें गाने लगाते हैं, ठीक है, गाने ऑन कर दे। तो भैया ये है भूत के दाने की लोकेशन और सामने चट्टान है आपके, ठीक है, दिखेगी नहीं क्लियर, क्या मालूम दिख भी जाए, फुल करके देखते हैं। ये देखो भाई सामने चट्टान है पूरी पूरी, देख लो। और ये है हमारी कैंपिंग लोकेशन, यहीं पे हम कर रहे हैं कैंपिंग, मतलब ये भूत के दाने का ग्राउंड है और ये हमारा टेंट लगा हुआ है और यहीं अभी हम खाना पकाएंगे। कुछ लकड़े लेकर आए हैं, क्या मालूम जल जाएं, तो खाना पकाते हैं। और ये देखो भैया पानी का कैंपर कितना प्यारा है, ये छोटा सा कैंपर हमने मंगाया है 5 लीटर का, दो चार लोगों के लिए तो इनफ है मेरे ख्याल से, तो इसमें से पानी बढ़िया आता है। और ये लकड़ियाँ लेकर आ रखी हैं भाई, अगर ये जलती हैं तो खाना इसी में पकाएंगे। अरे नहीं ना, मजा दूर से देख, इतनी दूर से जाएंगे, दूर से क्यों, नज़दीक चलो उसके पास, सुबह का नहाना वहीं करें क्या, तुम्हारा वीडियो मस्त बन जाएगा और शानदार ब्लॉग बन जाएगा। तुम चलो दादा, क्या ये जोंक भी है उधर, खतरनाक चक्कर ये भी तो है, क्या हो गया फिर, जोंक से डरना क्या। तो भाई ये डांस करते हुए वहाँ वहाँ खाई है, हाँ वो देखो वहाँ जाके नाच रहा है भाई, और देखो ये हमारा डॉगी कोको, ए कोको कोको, बैठ 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 बैठ। तो भाई हॉन्टेड लोकेशन डॉगी भी आया हमारे साथ में, लेकिन चला जाएगा वापस, ये रुकता नहीं है। ऑलमोस्ट लगा, फाइनली हमको मंजिल मिली, सुकून मिला, थोड़ा सा सुकून मिल गया है, आग जल गई है। वैसे डर तो जानवरों का वैसे हर जगह ही होता है, बट ये है कि हाँ आग जल गई है, खाना बन जाएगा हमारा। तो भाई सामान आ गया है, सब्जी वब्जी का यहाँ पे, और यहाँ हमारी आग मतलब प्रोग्रेस में है, मतलब बहुत देर लगी इस आग को जलने में, टाइम लैप्स कर दूंगा उसको, या स्पीड में कर देंगे, टाइम लैप्स तो नहीं स्पीड में कर देंगे। तो भाई फाइनली ये आग जल रही है हल्के हल्के, और वहाँ हमारी खाने का सामान तैयार है, कुछ जो हाथ में आए तोड़ के रख दो। हाँ भैया क्या कह रहे हो, इनने पता क्या किया अभी, यहाँ से पत्थर बाहर मार के तो इसको छिलका निकाला हमने, पत्थर उठाया और यहाँ जितने भी थे सब तोड़ निकाले, ये सभी मार रहे थे लेकिन ये टूटा नहीं। ये देखो कितनी लकड़ी इकट्ठी कर दी अभी, फिलहाल इतना है खाना तो बन जाएगा अपना आराम से, तो खाने की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, और फिर दिखाते हैं आपको सीन। तो भैया चल रही है पोहा बनाने की प्रिपरेशन, पहले हम पोहा बनाएंगे क्योंकि मैगी बनाने का टाइम लगभग ओवर ही हो गया एक तरह से, और वहाँ हमारा टेंट है भाई। देखो लकड़ी में खाना बनाने से पहले बर्तन को ऐसे मिट्टी लगाने का है, मिट्टी लगाने से ये है कि बर्तन सेफ रहेगा, नॉन स्टिक पैन है एक तरह से भी, थोड़ा सा पानी डाल दो इधर, चलो कोई दिक्कत नहीं है। और चल पतला पतला ना, थोड़ा अंदर की साइड नहीं है, बाहर की तरफ लगाने का है। इसके बाद ये इसको उठा दो, अंदर से पानी डाल के खोखालने का है दो बार,
इसमें पोहा भिगाने का पहले, भिगाने का नहीं ना पोहा, तो पानी ऊपर से डाल देंगे क्या है? नहीं नहीं पोहा भिगाने का, थोड़ा सा भिगाने का। फिर बनाओगे किसमें? इसी में बनाएंगे, प्लेट में भिगा ले। इसी शहर से आपको लकड़ी और आ गई है भाई, छोटे छोटे पीसेस के। इसमें पोहा भिगा, बस 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 बस। बस बहुत हो गया क्या पानी? ज्यादा गीला नहीं, बेकार ज्यादा गीला आपके, बेकार हो जाएगा वो, खाली खिचड़ी जैसा हो जाएगा। हाँ खिचड़ी, और डालो पुआ थोड़ा, और डाले ऐसा ऐसा भुरभुरा होना चाहिए। पानी पानी मत गिरा रहे, पानी गिरा दो कोई दिक्कत नहीं, पानी तो भिगा के रखना है। ज्यादा हो गया ना, ज्यादा हो गया, थोड़ा पुआ डालो, बहुत गीला था, घुमा लेता हूँ उसको पहले ना, तो भीगा तो थोड़ा ठीक लगेगा, इतना पानी मेरे हिसाब से ना भीगा नहीं है। थोड़ा पोहा और मिलाना है इसके ऊपर, सूखा सूखा है तभी तो बोला पानी में गिरा करके। अरे नहीं ना, बहुत ज़्यादा पानी था ना, बनाओ मैं चलूँगा खाके जाओ मारा। अभी तो कोई सोए नहीं होंगे, अभी तो सब जगे होंगे, खाने का टाइम हो रहा है अभी तक। तो फाइनली भाई आग अपनी लपट पकड़ रही है, लेकिन धुआं ज़्यादा दे रही है फिलहाल, बट कोशिश यही है कि देखो काम बन जाए अपना। देखा तो भाई इसमें लाइट, देखा तो और डाल, हाँ बस छोड़ दो। देख लो ये प्रिपरेशन सारी हो गई है, ये निकल, ये चाय पत्ती है। इधर कोई जीरा वगैरह भी होता है क्या? जीरा भी है इसमें, वो खड़ा मसाला लाए थे हम, जीरा मैं घर से लाया हूँ शायद। इसमें खड़ा मसाले का क्या जरूरत है वैसे? है ना, इसमें कोई जरूरत नहीं, क्या डाल दे लेकिन मजा आएगा। खड़ा मसाला है? हाँ यार, डाले क्या? हाँ फिर खड़ा मसाला डालना पड़ेगा, अभी डाल दो इसके जीरा के साथ। हाँ मेरे को लाइट बता, देखो भाई डाल तो फटाफट सब, डाल चीनी और काली मिर्च और चीनी नहीं पिन पिन ना जाए साथ में। भूखी भी लग रहा है इसमें, करना चीज होती है अगर पको, मतलब आग बराबर है, आग कह रहा हूँ बराबर है, नहीं एक नंबर है। कहाँ चला गए? हाँ गायब हो गया था। देखो भैया कहाँ पहुँचा ये? हाँ वही तो, ये देखो भैया कोको आ गया, टाइगर का खतरा है भाई, मत घूमे ऐसे फालतू में। सुन रहा है कोको? सुन रहा है कोको? क्यों वोक रहा था नीचे मां? क्यों फालतू घूम रहा है ऐसे? टाइगर ले जाएगा बेटा तेरे को। यहाँ अपना मसाला पूरा भुट चुका है। गिर गया रे ब्रो। तो भैया पोहा ऑलमोस्ट बनने के कगार पे, पनीर पोहा बनाया मैंने प्रोटीन क्वांटिटी पूरी रखने के लिए, ताकि पनीर से अपना प्रोटीन पूरा हो जाए। बाकी काब्स ही काब्स हैं वैसे तो, फ्लैटन राइस फिर भी मतलब वैसे राइस के कंपैरिजन में सही रहता है। थोड़ा सा पकाते हैं इसको और फिर करेंगे इंजॉय बढ़िया वाला इसको, मतलब कैंपिंग में यार कुछ अलग बनाओ ना तब मज़ा आता है, क्यों? अब वही दाल चावल रोटी खाया तो फिर क्या फ़ायदा हुआ? चावल ही चावल खा रहे थे बहुत टाइम से, मैंने कुछ चेंज करते हैं।
तो भैया एक एक्सपेरिमेंट और कर दिया, हमने एक यप्पी का मसाला डाल दिया और सूखी यप्पी मिला दी है इसमें बढ़िया टेस्ट देने के लिए। अब देखते हैं क्या टेस्ट आता है इसका, कुछ अलग थोड़ा सा अनोखा कर दिया, इसमें कुरकुरापन आएगा, उसी के लिए हमने बेस्ट वाला आ जाएगा मैगी मसाला और एक यप्पी फाड़ दिया। सबसे अच्छी चीज़ है इसमें कि हमने बीन्स डाली है और साथ में शिमला मिर्च के पीसीस करके डाल रखे हैं और ये मैगी का एक नया फ्लेवर हो गया, पनीर डली, एक अलग तरीके से मैगी खाने का तरीका, बीच में कुरकुरापन भी आएगा। नहीं इसको कहते हैं मैगी प्लस पोहा, खतरनाक खाना भी यार गिर रहा है। वैसे बन गया नहीं, थोड़ा ही थोड़ा, थोड़ा सा इसको ढक दो एक बार। डालो भैया खाना। तो ये खाना अपना रेडी है, डालते हैं खाने को। सलाद पत्तों में डाल दो ना, हम पत्ते में खा लेंगे, तुम दोनों थाली में खा लेंगे। नहीं नहीं, एक थाली में आप खाओ, एक थाली में हम लोग खाएंगे, ऐसा कर लेते हैं। कम डालना हमको, डाल दिया है, बाकी इसमें डाल दे, इसमें इसमें डाल दे, बाकी दोबारा डाल लेना। बस 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 बस, नमक डाल दो इसमें। नमक किस में? सलाद में। सलाद में नमक भी डालोगे? चीनी मत डाल दियो तू गलती से। तो भाई खाना रेडी है, खाने वाले भी रेडी हैं, खाना खाते हैं अपना खाना। बिल्कुल देखो, प्लेट देखो कितनी शानदार बनी है, ये पोहा और साथ में सैलेड। चलो भैया शुरुआत करें। चलो भैया खाते हैं और खाने के बाद मिलते हैं आपसे। तो भैया बनी गया, तो टेस्ट भी कर लेते हैं थोड़ा सा। मतलब जो चाहिए था मेरे को वही मिल गया भाई, परफेक्ट बनाया। और आज मैंने नहीं बनाया, इसने बनाया, तो ये भी परफेक्ट ही है। एक्सपेरिमेंट सभी लोगों ने किया है इसमें, सभी लोगों के सहयोग से है, ऐसा कुछ नहीं है। चार लोगों ने आकर आई है भाई, इतनी मेहनत करी है, और दो तीन लोगों ने मिलके खाना बनाया। क्यों, यहाँ कहाँ कहाँ से लकड़ियाँ लाए हैं और कैसे कैसे जली है आपने देखा ही था। तो मिलते हैं भाई ब्रेक के बाद, खाना खाने के बाद। फ़ोन में टाइम हो रहा है अभी 11 बज रहा है, ठीक है, ऑलमोस्ट 11 बज रहा है। तो हम लगभग 11:30 या 12:15 बजे स्टार्ट करेंगे, ताकि 12 बजे का टाइम जो है ऐड हो जाए। तो फिलहाल थोड़ा सा आराम करते हैं, बैठते हैं, थोड़े बातें मारते हैं, खाना हमने खा लिया है, और फिर उसके बाद हम बनाएंगे थोड़ा वीडियो बनाने के बाद बनाएंगे हम चाय, ठीक है ना? ठीक, चाय के साथ होगा बढ़िया वाला सिस्टम। ओके, तो वीडियो हम बनाएंगे बढ़िया डिटेल में, इन्वेस्टिगेशन करेंगे प्रॉपर, उसके बाद हम बनाएंगे चाय, और फिर मिलेंगे उसके बाद नए ब्लॉग में आपसे सुबह, ठीक है? तब तक के लिए हम चलते हैं हॉन्टेड लोकेशन पे और वीडियो बनाते हैं रेस्ट करने के बाद में प्रॉपर। तब तक के लिए टाटा सी यू, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।